फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। एक कहावत है, तेल देखो तेल की धार देखो। तेल की इस धार ने ही कई सफेद पोशों के चेहरे पर कालिख पोत डाली है। अवैध रूप से जमा किए गए 70,000 किलो लीटर केरोसिन ने मेरठ पेट्रोल एसोसिएशन के सचिव संजय कुमार अग्रवाल को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। मुख्यमंत्री के सख्त रवैये को देखते हुए हरकत में आया जिला प्रशासन। अब तेल के काले खेल में लिप्त लोगों को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहा। ये बात दीगर है कि पुलिस के एक आला अफसर के निर्देश पर मारे गए छापों में जो खेल निकलकर सामने आया, उसने जिला आपूर्ति विभाग को भी संदेह के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। पकड़े गए लोगों ने बताया था कि पिछले 10 साल से वो नकली पेट्रोल और डीजल बनाकर बेच रहे हैं, यानी तेल का ये खेल पिछले 10 साल से विभागीय प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा था। समझा जा सकता है कि इस खेल में लिप्त विभाग और मिलावटखोर कारोबारियों ने कितना मोटा कमाया होगा। अब प्रशासन के राडार पर तेल से जुड़े कई और कारोबारी आ चुके हैं। विभागीय भ्रष्टाचार के संरक्षण में फल फूल रहे इस काले धंधे का खुलासा भी बेहद चौंकाने वाला है। आईजी आलोक सिंह के निर्देश पर 20 अगस्त को परतापुर और टीपी नगर थाना क्षेत्र में दो स्थानों पर छापा मारा गया। पुलिस ने गणपति पेट्रोकैम और पारस केमिकल फैक्ट्री से 2,20,000 लीटर मिलावटी तेल बरामद किया। 10 लोग गिरफ्तार किए गए। इन लोगों ने ही पुलिस को बताया कि पिछले 10 साल से वो इस काले धंधे में लिप्त हैं। जितनी मात्रा में मिलावटी तेल बरामद हुआ है, उसे देखते हुए सहज समझा जा सकता है कि इसकी आपूर्ति मेरठ समेत दूर दराज के क्षेत्रों में भी की जा सकती होगी। 10 साल से ये गोरख धंधा चल रहा था, लेकिन क्या ये कहा जाए कि आपूर्ति विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या विभाग बराबर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा कर रहा था? मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए जिम्मेदार विभाग जिला आपूर्ति कार्यालय इन 10 सालों में क्या कर रहा था, ये सवाल उठने लाजमी है। आइए बताते हैं किस तरह आपूर्ति विभाग काम कर रहा था। सर, संजय गुप्ता के तेल डिपो पर छापेमारी के बाद ये पता चला कि 70,000 लीटर तेल वहां पर अवैध रूप से रखा गया है, तो इस पर अब तक जो भी कार्रवाई हुई है उस मामले में क्या जानकारी आपके पास? हाँ, ये सैटरडे को सप्लाई ऑफिसर और उनकी टीम मौके पर थी और उन्होंने चेक किया स्पॉट को। जो ऑथराइज्ड सैंक्शनड तेल की क्वांटिटी होनी चाहिए थी, उससे अराउंड 71,000 के आसपास तेल ज़्यादा पाया गया। केरोसिन कंट्रोल ऑर्डर 1962 के तहत ऑफेंस है ये। सप्लाई टीम ने ड्यूटीफुली इसको दर्ज किया है 3/7 में, और ये 8 तारीख की सुबह FIR हो गई थी करीब 3:15 बजे के बाद में। कानूनी तौर पर जो प्रॉपर्टी होती है वो द मोमेंट उसकी दर्ज हो गई थी FIR, उसके बाद से IO की प्रॉपर्टी है। अब मैं लेटेस्ट टच में नहीं हूँ कि उसके बाद IO ने क्या किया है, बट आई एम टोल्ड कि उन्होंने विजिट किया है, स्पॉट पर गए हैं, फोटोज़ ली है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि इसके ऊपर कार्रवाई अच्छे से की जाएगी। सर, ये इस सवाल का जवाब किसके पास है कि बार बार वहाँ पे जो खुदाई होनी है, जो देखा जाना है कि मामला वहाँ पर एग्जैक्ट कितनी क्वांटिटी में तेल है या किसकी लापरवाही है, तो क्या यहाँ पर आप ये मानेंगे कि उससे 2 दिन पहले जिला आपूर्ति विभाग वहाँ पर पहुँचा, कुछ भी नहीं मिला, लेकिन 2 दिन के बाद एक छापा पड़ता है जिसमें पता चलता है कि 70,000 लीटर तेल वहाँ मौजूद है, तो ये किसकी लापरवाही है कि पहले नहीं पता चला और बाद में पता चल रहा है? यू ऑल एंड एवरीबडी, FIR को पढ़ने की इसमें वो है, आपको ज़रूरत है। FIR के फर्स्ट पेज में परहैप्स लाइन नंबर 7 या 8 कहती है ये कि सेकेंड डे में जब टीम पहुंची है तो उसने मौके पर सस्पिशियस पाया कुछ। मौके पर सस्पिशियस पाया तो जो नॉर्मल वे में चेक किया जाता है उससे हट करके भी उसने कोशिश करी कि इसमें ऊपर से तेज़ी के साथ रॉड को डाला जाए, देखें क्या चीज़ आती है। जब तेज़ी से डाली गई है रॉड, तो अपेरेंटली ऐसा लगता है कि टैंक में नीचे कुछ ऐसा था जो तेज़ी से रॉड डालने पर, जो मास उसका अच्छा खासा होता है, उस मास के साथ वेलोसिटी के साथ जब रॉड गई है तो डिसफिगर कर दिया उसने किसी चीज़ को, जो भी कुछ लगा हुआ था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। नॉर्मली एक्सपेक्टेशन होती है कि आप कहीं भी जाएंगे, चेकिंग करेंगे, ड्रिल में लिखा हुआ है कि आप ईजी पेस के साथ, नॉर्मल पेस के साथ रॉड को डालेंगे। लेकिन उस दिन संभवतः जो गई थी टीम, उसको ज़रूर ऐसा लगा कि सस्पिशियस कुछ तो है। इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। ड्रिल ऐसा ही कहती है कि आप रॉड को धीरे से डालें, निकालें। क्यों डालें धीरे से?
क्योंकि अगर आप रॉड को बहुत तेजी के साथ डालेंगे तो आप इसको सोचें, इमेजिन करें कि तालाब है, तालाब में आप कोई चीज़ कंकड़ दूर से मार देंगे ऐसे, तो स्प्लैश आएगा, स्प्लैश आएगा तो पानी उछलेगा। रॉड डाली जाती है इसलिए कि लेवल पानी का, लिक्विड का शार्प आए, लेकिन अगर आप स्प्लैश के साथ डालेंगे, लिक्विड अगर होगा तो वो परहैप्स ज़्यादा रीडिंग आएगी। इसीलिए कॉशन कहता है कि आप डालेंगे आराम से ही उसको, लेकिन बिकॉज इट वॉज टोल्ड टू बी ड्राई, लेकिन सस्पिशियस दिखा मेरी टीम को जो गई थी 7 तारीख को, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया उसके साथ, एंड थैंकफुली एक्सपेरिमेंट सक्सीडेड। सर, पिछले 5 साल में सिर्फ 4 बार सैंपल लिया गया है, और इसमें किसकी लापरवाही मानते हैं आप? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास कहाँ से आई? आई एम नॉट श्योर। IOCL ड्यूटी बाउंड है करने के लिए टेस्ट, इनफैक्ट IOCL के ऑफिसर मेरे पास थे, आई हैव आस्क्ड देम, मैंने उनको पूछा है, नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, सीरीज ऑफ देम, मैंने उन्हें कहा है कि पिछले 5 सालों में विजिट कब कब किया आपने, ड्यूटी बाउंड आप किस चीज़ थे कि निरीक्षण करते, आप इंस्पेक्शन करते, नोट बनाते, एंड आई एम टोल्ड वर्बली कि एनुअल इंस्पेक्शंस उनकी टीम की तरफ से ड्यू थे, और फील्ड ऑफिसर जो होते हैं क्वार्टरली हैं उनके, सो दैट मीन्स 5 साल में क्वार्टरली इंस्पेक्शंस भी हो गए होंगे काफ़ी सारे, 20 odd, और 5 inspections टीम के, सो आई हैव आस्क्ड देम एंड आई बीन टोल्ड अशोर्ड कि 2-3 दिन में दे देंगे इसके जवाब। एक RTI में खुलासा हुआ कि मेरठ जिले में 159 पेट्रोल पंप हैं। साल 2015 से 2018 तक विभाग ने मात्र 5 पंपों से जांच के लिए सैंपल लिए। 4 साल में यदि 5 नमूने लिए तो सवाल किया जा सकता है कि फिर इन सालों में जिला आपूर्ति कार्यालय ने काम क्या किया। इस विभाग पर वेतन के नाम पर लाखों रुपए महीना क्यों खर्च किया जाता है? सूत्रों का यहां तक कहना है कि अखबारों में यह दावा भी किया गया है कि काले धंधे में लिप्त इन कुछ पंपों ने चंदे भी संरक्षण के नाम पर 45 लाख रुपए हर महीने वसूले हैं। विभाग की कार्यप्रणाली जिस तरह की है उसे देखते हुए ये दावे सच जान पड़ते हैं। मौजूदा SSP अजय साहनी का भी ये बयान सामने आया है कि SIT की जांच में 45 लाख रुपए से ज्यादा वसूलने की बात सामने आई है। ये भी पता चला है कि ये मोटी रकम एक अधिकारी के पास जाती थी। इसकी जांच अभी भी जारी है। इस खेल का एक पहलू ये भी है कि पुलिस ने आगे बढ़ते हुए जब अजंता पेट्रोल पंप समेत अन्य 3 पंपों को नमूने लेते हुए जब सील किया तो आपूर्ति विभाग और प्रशासन इसके खिलाफ आ खड़ा हुआ। दोनों का कहना था कि पुलिस का पंप सील करने का अधिकार ही नहीं है। आला अफसरों में अपनी घुसपैठ को पाते हुए बताया जाता है कि अजंता पेट्रोल पंप के मालिक और मेरठ पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश जैन को ये कहते हुए सुना गया कि रात 9 बजे तक हर हाल में सील खुल जाएगी, और ऐसा हुआ भी। मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब निकली पेट्रोल की बरामदगी संज्ञान में आई तो प्रशासन को भी हरकत में आना पड़ा। माना जा रहा था कि जिला आपूर्ति अधिकारी भी जल्द कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। संभवतः यही कारण है कि जिला प्रशासन और जिला आपूर्ति विभाग ने मिलावटखोर सफेदपोशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस कड़ी का सबसे बड़ा निशाना बना मेरठ पेट्रोलियम एसोसिएशन का सचिव संजय कुमार अग्रवाल। ये ऐसा नाम है जिसने सभी को चौंका दिया। संजय का प्रशासनिक अमले और राजनीतिक गलियारे में अच्छा खासा रसूख है। अधिकांश पेट्रोलियम मंत्रियों से संजय की खासी नजदीकियां रही हैं। विभाग और प्रशासन ने संजय के प्रतिष्ठान रतिराम खूबचंद के एक ठिकाने पर छापा मारा तो वहां से 70,000 किलोलीटर मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन बरामद हुआ। ये तेल अवैध रूप से वहां भंडारण किया गया था। संजय कुमार इसका जवाब नहीं दे पाया जिस कारण उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इस बीच सांसद राजेंद्र अग्रवाल भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को एक पत्र लिख चुके हैं। इसमें बताया गया है कि मिलावटखोर थिनर, बेंजीन और सॉल्वेंट मिलाकर बड़े पैमाने पर नकली पेट्रोल बनाकर बेचा करते थे। मेरठ में पिछले 10 साल से इस काले धंधे का अड्डा बना हुआ है। मिलावट का ये खेल बिना विभागीय प्रशासनिक अधिकारियों और तेल कंपनियों की मिलीभगत के संभव नहीं है। सांसद का कहना है कि मिलावट के इस खेल से जहां राजस्व की भारी क्षति हो रही है वहीं जनता के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है। तेल के इस खेल का एक पहलू ये भी है कि गिरफ्तार किए गए 10 लोगों को जमानत भी मिल गई। बाद में आनन फानन में उनकी रिहाई से पूर्व भी अन्य धाराएं लगाकर उन्हें जेल में रोका गया। बताया जा रहा है कि इन पर रासुका की तैयारी है। दिलचस्प बात यह भी है कि जो विभाग मोटा वेतन पाते हुए भी 4 साल में मात्र 5 नमूने ही ले पाया वो अब बढ़ चढ़कर कार्रवाई को अंजाम देने के दिखावे में लगा है। हालांकि सूचना है कि अंदर खाने गोटी फिट करने की जुगत लगाई जा रही है। ये भी जानकारी में आया है कि विभाग और प्रशासन की नजर अब एक अन्य पंप कारोबारी पर लगी हुई है। इस कारोबारी का बीड़ी बनाने का भी काम है। संजय कुमार के साथ इस कारोबारी का नाम भी पिछले कुछ समय से रडार पर चल रहा है।
फिलहाल ये देखना होगा कि जांच के बाद कितने सफेद पोशों के जो नाम है वो सामने आने वाले हैं और कितनी परतें अभी इस केस में खुलेंगी जिससे सच सामने आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर से लौटेंगे ऐसी और बड़ी खबरों को लेकर। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।